हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। घी निकालने के बाद बची हुई खुरचन और बचे हुए चावल का बहुत ही शानदार ये हलवा होता है। इतना टेस्टी ये हलवा होता है कि आप इस हलवे के आगे मूंग दाल हलवा भी खाना भूल जाएंगे। और ये बहुत ही आसानी से फटाफट ये 10 मिनट में बन भी जाता है। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी हलवा। इस हलवा को बनाने के लिए देखिए, हमने रात का बचा हुआ चावल लिया है 1 कटोरी। बहुत ही शानदार ये हलवा बनता है। तो इस हलवे को बनाने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये मलाई है और इसको हम जला के घी को निकाल लेंगे और इसके मावे को हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमने घी को बहुत ही अच्छे से लगातार चलाते हुए किया है ताकि ये जो मावा है एकदम जले ना। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये घी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से मलाई से निकल चुकी है और अब हम इसको छान लेंगे। तो इसको हम छान के और इस तरह से मावे को अलग कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से मावा बन जाता है। तो मलाई निकालने के बाद ये बची हुई खुरचन भी लोग कहते हैं, आप इसे मावा भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये परफेक्ट मावा निकल चुका है। और अब आगे के प्रोसेस में, यहाँ पर जो मैंने चावल लिया था इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको चावल को पीस लिया है। तो ये देखिए, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का आपको रहेगा। देखिए, चम्मच से भी ये ना गिरे, तो इस तरह का आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब आगे के प्रोसेस में, तो यहाँ पर इस हलवे को हम गुड़ में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने गुड़ ले लिया है 1 कटोरी। तो ये देखिए, इसको गुड़ को हमने अच्छे से तोड़ लिया है और इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। तो ये देखिए, पानी हमने आधा गिलास डाल दिया है और इसको हम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में हम अच्छे से पकाएंगे। और हमको इसको इतना पकाना है कि ये गुड़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लगातार चलाते हुए इसको पका लिया है। बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अक्सर लोगों के घर में चावल बच जाता है तो उसको लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो अब देखिए, अब हम इसमें जो चावल था इसको ऐड कर लेंगे। तो ये सारे चावल को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान ये हलवा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से इसको पकाना है। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। और ये देखिए, हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम देखिए, यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी डालने से क्या होता है कि इसमें शाइनिंग आती है और स्वाद भी बढ़ता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। घी के बचे हुए मावे और बचे हुए चावल से ये इतना शानदार हलवा बनता है, कोई नहीं बता पाएगा कि ये बचे हुए घी के मावे और बचे हुए चावल का बना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने मावा डाल दिया है और मावा डाल के आपको इस तरह से लगातार चलाते रहना है। बहुत ही सावधानी से आपको चलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको मावा डालने के बाद इस तरह से लगातार चलाते रहना है। तो देखिए, जब चलाते रहेंगे तो ये नीचे से थोड़ा सा लगने लगेगा, इसलिए आप तेज़ी से चलाइए। तो ये देखिए, इस तरह से हमको लगातार 6 से 7 मिनट तक इसको हमको चलाना है। तो ये जब इस तरह का डो बन जाए, परफेक्ट हलवा आपको दिखने लगेगा कि एकदम परफेक्ट हलवा बन गया। तो ये देखिए, आप इस तरह से देख रहे होंगे, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये हलवा एकदम अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है ताकि कोई भी मतलब कि किनारे से कुछ भी ना लगे। तो ये देखिए, एकदम दानेदार परफेक्ट हलवा बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार ये हलवा है। और इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। तो ये इतना शानदार और इतना टेस्टी होता है, सभी बड़े पसंद से खाएंगे। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये हलवा बचे हुए चावल और घी के खुरचन से बना है। तो देखिए, एकदम शानदार हलवा बनके तैयार है। और ये हलवा मूंग दाल हलवा से भी बहुत ही टेस्टी बनता है।
आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।